हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजनी वर्मा और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मसूर की दाल की नमकीन कैसे घर में बनाएं आप लोग, जो बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहां पे ली है एक कटोरी मसूर की दाल। इसे आपको रात भर भिगा करके रखनी है और इसमें आपको भिगाते समय डालना है आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। तो आप इसे रात भर के लिए भिगो दीजिए आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तेल ले लिया है, इसे मैंने तेज आंच पर गरम कर लिया है और अब ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल कम कर देंगे। अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब मसूर की दाल नमकीन बनाने के लिए हमारा तेल गरम हो चुका है और ये मैंने अच्छे से इसका पानी भी निचोड़ लिया है, पर अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इसलिए बड़ा ही सावधानी से आप कीजिएगा तेल में जब आप डालें। मैंने छलनी लगा दी है ताकि हमारा आराम से ये निकालने के लिए दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है, थोड़ी देर तक हमें इसे इसमें फ्राई करना है। इसको आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस थोड़ा सा रखना है क्योंकि रात भर की भीगी हुई है। इसका अच्छे से आप तेल निकाल के, मैंने यहाँ छलनी लगा दी है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसे टिश्यू पेपर में निकालूंगी। जब आप ये करें तो आंच बिल्कुल कम कर दें, पहले तेज आंच पे गर्म करें फिर तो उसके बाद इसे बिल्कुल कम कर दें। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने मसूर की दाल अच्छे से फ्राई कर ली है। लगभग मुझे 4 से 5 मिनट लग गए थे और पहले मैंने कम तेज आंच करी थी फिर कम करी थी, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा तेज करना पड़ा। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद कुरकुरे हो जाए जैसे बाजार में नमकीन मिलती है। तो ये मैंने निकाल लिए है टिश्यू पेपर पे, जितना भी तेल है वो इसमें सोख लेगा। अब हमें इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। वो आप अपनी क्वांटिटी देखिएगा, नमकीन जितनी हो उस हिसाब से। ये है अमचूर पाउडर, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ और बहुत ही कम हमें मिर्च डालनी है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप कम करिए, नहीं तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे अपने कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आप खाइए, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसी तरह से मैं आपको और नमकीनों की भी रेसिपी बताऊंगी। तो अगर आपको और दालों की नमकीन बनाने की रेसिपी देखनी है तो मेरा वीडियो में देखिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।